राजनीति में कह रही हैं कि मैं राजनीति के लिए नहीं हूं मिमी चक्रवर्ती। एक बार फिर से आपको उनका वो स्टेटमेंट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें टीएमसी क्यों छोड़नी पड़ रही है। माने पॉलिटिक्स तो আমার জন্য না, আমি এটা বিশ্বাস করি। ডেফিনেটলি আপনারা ঠিকই শুনেছেন, আই হ্যাড অলরেডি গিভেন মাই রেজিগনেশন লেটার টু হার, বিলিভ ফ্রম হার্ট দ্যাট আই এম ভেরি অনেস্ট। মানে পলিটিক্স তো আমার জন্য না, আমি এটা বিশ্বাস করি। ডেফিনেটলি আপনারা ঠিকই শুনেছেন, আই হ্যাড অলরেডি গিভেন মাই রেজিগনেশন লেটার টু হার, বিলিভ ফ্রম হার্ট দ্যাট আই এম ভেরি অনেস্ট। 2019 में जादवपुर सीट से सांसद बनी थी मिमी चक्रवर्ती। एक ओर जहां मिमी चक्रवर्ती के इस्तीफे से ममता बनर्जी परेशान होंगी, वहीं संदेश खाली को लेकर भी टीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कोलकाता के संदेश खाली जा रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने कोलकाता में ही रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से भड़के शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठ गए। मैं कुछ टाइम यहाँ धरना दूंगा, डिसीजन चेंज करेगा अच्छा, नहीं तो आई विल मूव टू दी कलकत्ता हाई कोर्ट टुमारो। इधर तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल पर संदेश खाली को नंदीग्राम और सिंगूर जैसा बनाने का आरोप लगाया। संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान और सिलीगुड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, वहीं सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गौरतलब है कि संदेश खाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया। इस वक्त मैं खड़ा हूँ साइंस सिटी में और फिर से साइंस सिटी में शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पे रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं बस में शुभेंदु अधिकारी है, बाकी मीडिया यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पे साइंस सिटी के पास से यही रास्ता हाईवे जाता है, जाके सीधा संदेश खाली में मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिर से बैरिकेड लगाया गया है। फिर से ऐसा ही हुआ है कि शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली आज नहीं जाने दिया जाएगा। शुभेंदु खाली बस में आए थे, चार एमएलए लेके आए थे, लेकिन उनको यहां जाने का जगह नहीं दिया। संदेश खाली हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मामले में सरकार ने कार्रवाई की है, इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। जे भावे महामारी मानुषेर जन्य स्कीम तैरी करेछे এবং কাজ করছে, আমরা কথা দিলে কথা রাখি। ওই ইলেকশনের সময় এলাম, কু কু করে ডাকলাম, আর বসন্তও চলে গেল, আমারও বিদায় হয়ে গেল। এটা কখনো আমরা করি না, আমরা যা বলি সারাক্ষণ এটাই করি। ইলেকশনের আগে উজালা দিয়েছিল, আবার দেখুন খোঁজ নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে উজালা কতজনের বাড়ি গেছে, আবার চলে যাবে। এই গ্যাসের দাম আবার 2000 টাকা বাড়াবে, অর্থাৎ বিনা পয়সায় চাল, না না হাজার হাজার টাকা গ্যাসের দাম। গ্যাসের আড়ালে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। লোকে যে কেরোসিনে করবে তার উপায় নেই, কেরোসিনেরও দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ফুড সাবসিডি 17%, মনে রাখবেন যে ট্রান্সপোর্ট খরচ। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ममता पीड़ित महिलाओं को धमकी देती है, कहना बीजेपी का। संदेश खाली में टीएमसी के गुर्गों पर महिलाएं आरोप लगाती हैं। आरएसएस पर आगे कहा गया है कि आरएसएस पर ममता का बयान शर्मनाक है। आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने, संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी।
और चुनावी चंदे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, पुनर्विचार याचिका इस मामले में दायर की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, कानून और वित्त मंत्रालय की होगी बातचीत। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, योजना के लाभ पर जोर देने की अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है। नागरिकों को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि SBI 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। SBI को 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। अदालत ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि आयोग 13 मार्च तक SBI की जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपडेट करे। अदालत ने माना कि इस बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है। साथ ही कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड RTI का खुला उल्लंघन है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला ऐसा चंदा है जिसमें देनदार की पहचान गुप्त रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। कानून के तौर पर ये 29 जनवरी 2018 से लागू हुआ था। और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने क्या कहा, आइए देखिए। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। पहले तो ये रद्द होने की वजह से काले धन पे एक बड़ा लगाम लगी गया है क्योंकि अभी तक जो है नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था और जितना मर्जी आदमी अमाउंट पार्टीज को फंडिंग जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं काला धन ही था क्योंकि अगर आप व्हाइट मनी देते हैं तो व्हाई नॉट, नाम डिस्क्लोज और अमाउंट डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि एक लिमिटेड धनराशि जो अनलिमिटेड जो सोर्सेस थे फंडिंग की वो इससे रुक जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन। कांग्रेस को डर है कि अध्यादेश के जरिए सरकार अदालत के फैसले पर रोक लगा सकती है। बीजेपी ने दावा किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी थी। देखिए, ये तो सरकार तय करेगी, सरकार देखेगी, पॉलिटिकल पार्टीज देखेगी और अनफॉर्चुनेटली कई लोग जो है वो हर सुधार पर जो है वो वार करते रहे। इससे पहले भी जो लोग इनमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमेशा हर सुधार पर जो है वो कोई ना कोई नुक्स निकालते रहे। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूँ बचते हुए कह दूँ कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया विधायक खरीदने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड फैसले पर बोले रविशंकर प्रसाद, उनकी तरफ से कहा गया पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, बीजेपी चंदा देने वाले को गोपनीयता चाहती थी, कैश फ्लो कम हो इसके लिए बॉन्ड लाया गया। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं,
अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा है कि जनता की सीधी सेवा का उन्हें अवसर अब नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी राजस्थान के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद लिखी है। सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती आ रही हैं, लेकिन इस बार उम्र और खराब सेहत की वजह से उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है और रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे ये सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था और मजबूत होती चली गई। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह रायबरेली से प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। लोकसभा की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेता फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 5 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर ईडी के एक्शन पर सवाल उठाया और कहा कि वो ऐसी एजेंसियों से नहीं डरते हैं। मैं ईडी से डरता हूं, किसी और से डरता करें। अगर ये समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को जेल लेने से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये किसी फारूक अब्दुल्ला की मेहरबानी से नहीं चलती। फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव केंद्रीय सशस्त्र बल की निगरानी में होंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाद सीआरपीएफ के सबसे ज्यादा कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निष्पक्ष और बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर में 635 और लद्दाख के लिए 57 सीएपीएफ कंपनी की तैनाती को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स दी गई है। सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉन्ग रूम यानी जहां ईवीएम रखी जाएगी और काउंटिंग सेंटर की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के एडीजी कानून व्यवस्था विजय कुमार को राज्य पुलिस का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग पोल फोर्स की तैनाती की जिम्मेदारी संभालेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव होगा, इसलिए चुनाव आयोग मुस्तैद है। पिछले चुनावों में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसा हुई उसे देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र बल की ज्यादा टुकड़ियां वहां भेजी जाएंगी। सीमा पार से किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और चुनाव में कोई खलल ना पड़े, इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में व्यापक तैयारी की है।